आप सभी देख सकते हैं कि किस तरह की गंदगी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। इससे लोगों ने व्यूज देते हुए किस तरह इस गंदगी से वो झेल रहे हैं और किस तरह वो ये संकट में वो पड़ गए, इसका समाधान देते हैं। सर हमारी सरकार अपनी प्राइवेट भूमि है, पूरे गांव का मुस्तैद और काश्तकार जमीन है, घास भी काटते हैं, इसमें बड़ा मुश्किल हो रहा है। हम कई बार NAC को मतलब जो म्यूनसिपल कमेटी वगैरह भी और जो ओनर है उसको भी बता चुके हैं कि इस गंद को बंद किया जाए। यहाँ बड़ा मुश्किल है सांस लेना भी, घास काटना भी, सब आपके सामने देख रहे हैं। फसल भी का बुरा हाल है, घास का बुरा हाल है, इसमें कैसे काम किया जाए, बड़ी बड़ी परेशानी है। काफी दिनों से हम सपोर्ट कर रहे हैं, कोई नहीं सुनवाई कर रहा है, बहुत। आप सभी देख सकते हैं कि खड्ड के बहाव के पानी से कितना गंद खड्ड में आ चुका है और लोगों की जमीन में आ चुका है। देख सकते हैं किस तरह इस खड्ड के पानी के बहाव से ये गंद सारा लोगों की जमीन में आ चुका है। इससे लोग काफी परेशान हैं, किस तरह वो अपने पशुओं के लिए घास खिलवाएंगे और किस तरह लोग गंद को दिखा रहे हैं, इससे लोग काफी ही परेशान हैं और काफी ही परेशान सी प्रधान के विचार। खड्ड के नजदीक लगा एक हैंडपंप का बोर्ड जिससे लोग पानी भी नहीं पी सकते ना उसे यूज कर सकते। मिस्टर सतीश जी के विचार और इस गंदगी वजह से हम इस पानी को अब क्या बताएं, बहुत प्रदूषित हो चुका है, ये पानी भी इसको यूज करने के लायक नहीं है। आप देख सकते हैं ये दरख्त भी पूरा गंदगी के साथ लिपट चुका है, इसे भी अब किसी के आने की आस नहीं जो इसकी दरख्त की छाया ले। आपको दिखाई दे रहा है जो घुमारनी से पूरा गंद लाया गया है और यहाँ पे डंप कर दिया गया है, जिससे काफी लोग काफी दुनिया परेशान है और इस गंदगी का असर हमारे काफी पीढ़ियों को पड़ सकता है। तो जी अब आप भी सुन लो खुद इन महिलाओं और बूढ़ों के विचार जो इस परेशानी को झेल रहे हैं और काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा नाला पगेर तक जा रहा है और खंबारी तक जा रहा है और हमें बहुत प्रॉब्लम है और ये पानी गांव के लिए भी जा रहा है, पीने के लिए भी जा रहा है और घुमारू से शहर के लिए भी जा रहा है। तो इससे बहुत परेशानी है, हम इस गंद से बहुत परेशान हैं और ये सारा गंद पूरे घुमारू तक जा रहा है और हमारी जमीन भी बर्बाद हो गई है। देख सकते हैं ये जितना भी कचरा आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा घुमारवी से लाया गया हुआ गंद है, जिससे आप सभी को काफी परेशानी कर रही है। शमशान घाट है जहाँ पे अंतिम यात्रा पथ होता है, पर यहाँ पे अब अंतिम पथ तो कूड़े का ही हो रहा है जिससे काफी लोग परेशान हैं। ये राजकीय माध्यमिक पाठशाला बक्सी है, यहाँ भी बूढ़े बच्चे मास्टर और बच्चे काफी परेशान हैं। देश के जो भविष्य हैं वो इस गंदगी से काफी परेशान हैं। लो इनके व्यू आप सुन लो खुद ही। अध्यापक लोगों का भी कहना है कि जब भी हम इनको बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें भी काफी स्मेल आती है और ना ही हम अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकते हैं और ना ही लिखा सकते हैं। ये एक बहुत ही परेशानी का मुद्दा बन चुका है, इसे हटाना। नन्हे मुन्ने बच्चों के ड्यूज जो ना अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं ना खाना खा सकते हैं। बच्चों का कहना है जब भी हम खाना खाते हैं तो उनको उल्टियाँ आती हैं, तो किस तरह वो पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं इन बच्चों को
आपके छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारे देश का भविष्य है, अगर ये ही बीमार पड़ गए तो हम क्या करेंगे, कैसे अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, तो इस पे विचार करना। क्योंकि पेरेंट्स का कहना है कि अगर यहाँ पे ऐसी गंदगी रहेगी तो हम अपने बच्चों को किसी दूसरे स्कूल में ले जाएंगे और यहाँ पे स्कूल बंद होने की भी संभावना और एक बड़ी समस्या बन चुकी है। और इनका कहना है कि बच्चे डेली बीमार पड़ जाएंगे तो हम कहाँ से इतने पैसे लाएंगे, कैसे अपने बच्चों को स्वस्थ रख पाएंगे, जो एक सभी को एक बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है। इस गंदगी को साफ करना जल्द से जल्द नगर परिषद का ही काम है और जल्दी से जल्द इस पर कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जाए और ताकि ये स्कूल भी ना बंद हो और अच्छा काम भी चल सके। गंदगी की वजह से ना ही क्लासरूम में अच्छी तरह बैठ सकते हैं। आप देखिए राजकीय प्राथमिक पाठशाला सिंह के एटी मैडम के अब्यूज। फिर एक बच्चे जो है ये क्लासरूम में अंदर भी ना बैठ सके, फिर मैं इनको ऑफिस में लेके फिर उन्होंने बच्चों को बताया वहाँ पे पढ़ाया ये जो कमरा था उनका बच्चों को बैठने का ये साथ में फिर सर पर दिक्कत प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ में लाइक और सब्सक्राइब करें और इस स्वच्छता अभियान में आप भी हमारा साथ दें।